तो आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हर हर महादेव मंदिर, जो कि पुंगाट पुल चकुनेरा में है और बहुत ही बड़ा मंदिर है ये, और इसके अंदर कई शिवलिंग है। वो सब शिवलिंग आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे और मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिएगा और आशा करता हूँ सभी शिव भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। ये मंदिर का मेन द्वार है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ही विशाल गेट है यहाँ पर, और मंदिर से प्रवेश करेंगे लगभग मंदिर की चौड़ाई अगर देखें तो दोनों तरफ मिला के लगभग 120 फुट शायद होगी। सामने ही फूल की दुकान है और ये अंदर में मंदिर के प्रवेश कर रहा हूँ। ये देखिए सामने ही मंदिर का जो एंगल है वो आपको इस तरह से दिखेगा। तो जैसे ही घुसते उसके आपके दाएं हाथ बाएं हाथ और सीधे चारों तरफ मंदिर ही इसके अंदर नज़र आएंगे। प्रांगण बहुत बड़ा है, सामने शिव जी का बड़ा ही विशाल मंदिर है, शिवलिंग वहाँ स्थापित है। और आपके जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं आपके बगल में ही दाएं हाथ पर ही यहाँ पर दो शिवलिंग विराजमान है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। सब ये सब पूजा कर रहे हैं, तो भी प्राचीन शिवलिंग है यहाँ पर। और बगल में ही एक शिवलिंग और ही देखिए, साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर डबल दो शिवलिंग आपको देखेंगे। एक सामने है जो पीतल से पूरा ढका हुआ शिवलिंग है और उसके पीछे भी देखिए शिवलिंग, और मंदिर से जैसे ही आप सामने देखते हैं तो एक साइड में एक छोटा सा बजरंग बली का भी मंदिर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मंदिर। ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर में कौन कौन मूर्ति है। देखिए सामने हनुमान जी की आंखें चमक रही हैं और हनुमान जी यहाँ पर है, ऊपर देखिए पूरा हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। और जब उसके बाएं साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले आपको सबसे पहले शनिदेव जी का मंदिर दिखेगा, ये शनिदेव जी का मंदिर है। और उसके पीछे आप देखेंगे तो दुर्गा जी का दरबार है। तो सबसे पहले मैं आपको सामने ले चलता हूँ, शिव जी के दर्शन कराता हूँ। और मंदिर में जैसे प्रवेश करेंगे बाग बगीचे आपको दिखेंगे, पेड़ पौधे लगे रखेंगे, प्रांगण बहुत बड़ा है। यहाँ पर राम कथा जैसे चीज़ें और भागवत जैसे चीज़ों के लिए जगह प्रांगण बनी है। यहाँ पर पीपल का विशाल पेड़ है और इधर देख सकते हैं पूरा मंदिर का आपको ऊपर का शीर्ष दिखा रहे हैं, शिव जी का ओम का आकार बना हुआ है। सामने ही गेट है, बगल में बगीचे हैं और पेड़ पौधे लगे। और ये देखिए इधर आप देख सकते हैं विशाल शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है अंदर मंदिर के मेन। बहुत ही सुंदर ये शिवलिंग है मार्बल की, बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर शिव जी की बारात भी हर वर्ष निकलती है महाशिवरात्रि पर, लोगों का काफ़ी भीड़ जमावड़ा यहाँ रहता है। मंदिर की और भी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। जस्ट बगल में ही बेल का पेड़ है, यहाँ बेलपत्र लेने के लिए आपको कहीं बाहर भी नहीं जाना है, बेलपत्र आप यहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नीचे नीचे पूजा भी हो रही है, अर्चना भी हो रही है यहाँ पर। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको दिखेगा गार्डन का, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, काफ़ी बड़ा प्रांगण है। यहाँ आने पर मन को शांति मिलती है। सामने ही आप देखेंगे तो आंवले का भी पेड़ है, तो एक समय आता है, एक त्यौहार आता है, कहते हैं आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से, तो यहाँ पर भी वो सब चीज़ की व्यवस्था है। पार्क है बढ़िया जैसा और तमाम तरह के पेड़ लगे हुए उसमें, और लोग यहाँ पर देखिए बैठते भी हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं, तो थोड़ा सा लोगों को मन को शांति मिलती है। जब वो दुखी होते हैं, कभी कुछ मन विचलित हुआ तो मंदिर में आके लोग, शनिदेव जी का मंदिर है यहाँ पर, शनिदेव जी देखे विराजमान है। दुर्गा का दरबार है मंदिर, सामने से देखेंगे तो यहाँ से भी एक गेट बाहर की तरफ लगा हुआ है और मुख्य द्वार मैंने आपको दिखाया था वहाँ से है, इसके बगल से भी एक सामने से, जब काफ़ी भीड़ हो जाती है तो इस गेट का भी यूज किया जाता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है बैठने की भी,
और मैं आपको मंदिर को सामने से दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा ऐसा, ये क्योंकि पहले पुराना ये मंदिर था, तो ये पहले जो बना हुआ था उसी को मॉडिफाई किया गया है। और इसका मेन जो मंदिर है अंदर, दुर्गा जी की पुरानी मूर्ति है यहाँ पे, आप देख सकते हो दुर्गा जी की पुरानी मूर्ति है और काफ़ी सुंदर है। और नवरात्रि में यहाँ काफ़ी भीड़ लग जाती है, महिलाओं यहाँ पर काफ़ी पूजा अर्चना करती हैं, भजन गाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये प्लेस बना हुआ है जहाँ पर महिलाएं बैठती हैं, पूजा अर्चन करती हैं। और सामने ही पानी की भी व्यवस्था की गई है, ये देखिए यहाँ पर लगा है। तो मंदिर में काफ़ी कुछ सुविधा है, काफ़ी सुंदरता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं आपके आसपास कोई ऐसा बड़ा मंदिर है जिसकी मैं शूटिंग कर सकूं, जिसको मैं लोगों को दिखा सकूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके पास ऐसी कौन सी मंदिर है जो मुझे जानकारी में नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो ज़रूर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ और मुझे बताएँ कि आप कौन सी मंदिर का ब्लॉग बनवाना चाहते हैं। हर हर महादेव। महादेव मंदिर से थोड़ा सा आगे जब आप जाते हैं तो उसी के आगे राम जानकी मंदिर है, और उस मंदिर को आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। शकुंतला कुंज में ये मंदिर है, मेन जीटी रोड पर ही, हर हर महादेव मंदिर से थोड़ी दूर पर ये सामने मंदिर है। जैसे सामने प्रवेश करते हैं आपको सीधे ही आपको सामने शिव जी का दरबार लगा हुआ है यहाँ पर, भोलेनाथ का, और शिव परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। सामने ही जैसे कि मैं बताया राम जानकी मंदिर है, तो यहाँ पर राम जी का पूरा दरबार है, और ये देख सकते हैं कांच की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो राधा रानी यहाँ पे है, और ये देखिए राम सीता लक्ष्मण विराजमान है यहाँ पे। और हनुमान जी नीचे हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी की मूर्ति इसके अंदर है, और दुर्गा जी की विशाल प्रतिमा है, और जो शिवलिंग है वो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये राम जानकी मंदिर है, थोड़ी दूर पे आगे आप जाएंगे तो ये छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही प्यारा है, और शिव जी यहाँ पे, आप नंदी जी देखिए विराजमान है सामने, शिव जी का दरबार यहाँ सजा हुआ है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। और यहीं पर हनुमान जी की भी एक मूर्ति है, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हर हर महादेव मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, आप भी मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको ये मंदिर, और अगर आपके पास कोई ऐसी मंदिर है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है तो मुझे बताएं, उस मंदिर के बारे में मैं लोगों को बता सकूँ। धन्यवाद।